साइड चूज की वाला रेट होता है वो करो और मरो की स्थिति 15-5-15 टॉस वन बाई सिंजौली एंड डिसाइड टू चूज साइड फर्स्ट रेट बाई धर्मशाला के अनेक खिलाड़ी पूरे हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से हैं और ये पहला रेड जो कर रही है ये शिमला की लड़की है बड़ी चलाकी से रंजना को आउट कर दिया पैरों से टच करके अपनी टीम के लिए पहला अंक अर्जित करके खाता खोला धर्मशाला की टीम लेकिन सिंजौली महाविद्यालय की आकृष्ट नामक जो खिलाड़ी है बहुत उम्दा कोशिश धर्मशाला के कैप्टन को क्योंकि हमें नियमों के तहत खेलना है नियमों के तहत ही माहौल बनाना है खेल की भावना को बनाए रखना है उसी भावना में जीना है उसी भावना में एक और अंक धर्मशाला के पक्ष में 2-1 की बढ़त धर्मशाला एक स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रही छात्राएं उनको एज है उनको बढ़त है उनको एडवांटेज है कि वो हॉस्टल में रह करके अपनी टीम करती है और करने का उनको मौका रहता है बाकी कॉलेजेस में ये तो एक 15 दिवसीय इवेंट होता है 10 दिन उनको प्रैक्टिस के मिलते हैं और 5 दिन उनको इंटर कॉलेज के तो धर्मशाला क्योंकि पूरी वर्ष अपने आप को तराशती है वे सुंदर प्रयास देखिए जैसे मैंने कहा कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स द रिजल्ट कोऑर्डिनेशन इन द टीम गिव्स यू द रिजल्ट सिंजौली की एक मेन रेडर को पकड़ा है बहुत कोऑर्डिनेशन धर्मशाला की टीम के बीच और सुंदर अंक अर्जित किया धर्मशाला के खिलाड़ी बहुत लंबे कद के देखिए बहुत ट्राई करते हैं ये एकदम से चुराने की कोशिश करते हैं क्लेम कर रहे हैं नहीं 2-1 स्कोरर थोड़ा बीच बीच में स्कोर भी आउट करते रहे सिंजौली महाविद्यालय की ये मुख्य खिलाड़ी चेस नंबर 5 ली रंजना ये बहुत सुंदर प्रयास लेकिन ये चाहा तो था दूसरे को जाल में फंसाना लेकिन खुद फंस गए एक अंक अर्जित कर दिया अपनी टीम के लिए धर्मशाला की बहुत सुंदर ज्योति अगले रेट के रूप में जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि एक खिलाड़ी को 30 सेकंड के अंदर अपना रेट पूरा करना है और उस 30 सेकंड के अंतराल में ही टीम के लिए अंक अर्जित करने की कोशिश कर रही है धर्मशाला के पास अनुभव ज्यादा अभ्यास ज्यादा अब देखना है सिंजौली महाविद्यालय अपने आप को कहां ले जाता है एक अंक दे दिया धर्मशाला को धर्मशाला लगातार बढ़त बनाए हुए दो अंक चुरा लिए इस बीच धर्मशाला की खिलाड़ी ने ये बहुत अंक अर्जित कर रही है अपनी टीम के लिए धर्मशाला की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और देखिए सुंदर जाल तैयार करते हैं बिल्कुल भी परिणाम है कि आप जो है जीतते ही जाते हैं स्कोर आउट प्लीज
1 संजोली 12 धर्मशाला बहुत ज्यादा क्योंकि लोना होने के बाद अतिरिक्त दो अंक मिलते हैं 12 और 1 संजौली महाविद्यालय को अतिरिक्त प्रयास करना होगा दे विल हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मैच विद द प्लेयर्स ऑफ हाई कैलिबर ऑफ धर्मशाला एक बार फिर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी एक से बढ़कर एक नगीने धर्मशाला की टीम में प्रयास करना होगा संजौली महाविद्यालय की खिलाड़ियों को इस दिखाया है कि हम भी कम नहीं ज्योति के इस प्रयास से स्कोर आगे बढ़ता हुआ तो स्वाति लंबे कद की खिलाड़ी दुबली पतली चैलेंज कर रही है धर्मशाला की ये लगातार अंक अर्जित करती हुई खिलाड़ी बाकी रहने वाली है धर्मशाला की खिलाड़ी भी पार्ट नंबर चेस्ट करता है ये दोनों ही टांगों से पकड़ लिया दोनों टांगे अगर आपकी बंद जाए तो आप हिल भी नहीं सकते हैं ऐसा ही धर्मशाला की खिलाड़ी ने किया संजौली महाविद्यालय के मुख्य खिलाड़ी को जो बिल्कुल बांध दिया अभी तक तो यही स्थिति बताती है कि एक तरफा मैच आई थिंक चीफ कोच डॉक्टर गोपाल दास्टा हैज कम टू इन रीग्रुपिंग ऑफ द टीम जिससे कि उनमें एक अतिरिक्त शक्ति संचरित हो और धर्मशाला के खिलाड़ियों को मजबूती के साथ सामना कर सके लेकिन नहीं अभी दो अंक अर्जित किए रंजना बहुत सफल रे दो अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किए ये देखिए कितनी शार्प है ये धर्मशाला की यंग लेग्स ऑफ धर्मशाला वेरी क्विक एंड फास्ट मूवमेंट मैचिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आकर्षित फिर से प्रयास में अंक चुराने के लेकिन खाली लौटी है एक बोनस सॉरी क्षमा कीजिए बोनस लाई है अपनी टीम के लिए अपने स्कोर में इजाफा करती हुई धर्मशाला की चेस्ट नंबर 1 खिलाड़ी कभी हाथ से तो कभी पांव से विरोधी टीम को छू करके अंक चुराने की कोशिश में आकर्षित को मौका अपनी प्रतिभा दिखाने का ये देखिए इनके जाल से निर्मित पाई मछली रंजना ना केवल रेट में अंकर बल्कि ये होल्ड करने में कैच करने में पकड़ने में टैकल करने में भी निपुण है यहाँ पर बहुत सुंदर रोक लगी है अब रंजना जैसी ऊंचे कद काठी की खिलाड़ी के लिए नामुमकिन एक बार धर्मशाला बढ़त बनाए हुए फिर से चुस्त दुरुस्त कदमों के साथ चैलेंज करती हुई ज्योति का ये प्रयास आकृष्ट का प्रयास दोनों सॉरी साक्षी दोनों ही आउट ये रेडर जो हैला के लिए बहुत सारे ले चुकी है अकेले ही ये टीम को विजय की ओर ले जा रही है जहां तक अभी फर्स्ट हाफ का अभी 3 खिलाड़ी शेष है ऐसी स्थिति में 2 सुपर बातें हैं एक सुपर टैकल एक सुपर रेड
तो देखिए किस तरफ जाता है। धर्मशाला की खिलाड़ी तो क्लेम कर रही है, लेकिन 10 सेकंड आखिर निर्णय रेफरी का जो देंगे, वो क्लेम निष्फल निकला। संगम ये माइक प्रेस कर रहा है, आप अपने साउंड सिस्टम को स्टार्ट कर दें। सुपर टैकल और सुपर रेड, बोथ चांसेस आर देयर। कभी भी ये खिलाड़ी धर्मशाला की अभी तक के पिछले 10 रेड में खाली नहीं गई है, बहुत ज्यादा अंक अपने टीम के लिए ले गई है और अजय बढ़त बना के रखी हुई है। संजौली की मेन खिलाड़ी आकृष्ट अपनी कला की ओर दर्शकों को आकृष्ट करते हुए ये फिर से ये देखिए, बहुत तेज, इसको नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको संभाल नहीं पा रहे हैं। बढ़त धर्मशाला की उम्मीद थी दर्शकों को कि कड़ा मुकाबला संघर्ष होगा, एक तरफा मुकाबला होता नजर आ रहा है। 10 सेकंड ये वार्निंग। अभी सुपर टैकल का चांस जॉली के पास और लेकिन नहीं, धर्मशाला के खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त, जिनके एक असफल प्रयास, असफल टैकल, ज्योति को अंदर लाई है, लेकिन ज्योति आप देखते हैं क्या जबरदस्त टैकल, ये सुपर टैकल है यहाँ तो एक के साथ एक फ्री अंक ज्योति को। बहुत सुंदर क्षेत्र रक्षण यहाँ सुपर टैकल के रूप में। कोच गोपाल तास्टर द्वारा टाइम आउट लिया है। धर्मशाला नई स्कोर 25 संजोली 12। नई शक्ति संचरित करने के लिए होस्ट कॉलेज को कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, कुछ अतिरिक्त करना होगा, तभी वो जो है इस शक्तिशाली टीम का मुकाबला या उनके बराबर आने की अपनी कोशिश। 10 सेकंड ये जैसे मैंने कहा पहली वार्निंग 10 सेकंड, 5 जब सेकंड रहते हैं तो दूसरी वार्निंग कर रहे हैं। स्वाति एक बार फिर से रेड करती हुई लेकिन खाली वापस। ये आधा समय मैच का पूरा, बहुत अंकों के साथ धर्मशाला आगे। आइए जानते हैं अपडेट स्कोर का सूर के पास से कि कितने अंकों की अभी बढ़त है धर्मशाला के पास। स्वाति फिर से सेकंड हाफ में पहला रेड, आगे का आंखों देखा हाल की जुबानी से। शुक्रिया डॉक्टर रविंदर चौहान, जिस समय जो मुकाबला खेला जा रहा है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला वर्सेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज हिमाचल प्रदेश का दूसरा जो हाफ होगा, क्या वापसी होगी संजौली कॉलेज की। ज्योति ठाकुर इस समय रेट पे बहुत उमदा डिफेंडर, काफी बेहतरीन परफॉर्म किया सेमीफाइनल में पोंटा कॉलेज को जो हराया था, हालांकि पोंटा कॉलेज भी काफी अच्छा खेल रहे थे। हमने ज्योति ठाकुर का जिक्र किया, बहुत ही गजब का इन्होंने डिफेंस किया,
इनके भुजाओं में दम है, इनके पंजों में दम है, पावर है और गजब का इन्होंने जो ये सुपर टैकल किया, दो अंक दिलाए संजोली के लिए रेट पे लगातार। नजदीक नहीं मानते, देखिए आप कितने किस तरह से बचाते हैं, बहुत ही जबरदस्त करना है किसी भी डिपेंडर ने, तो सबसे पहले किसी भी डिपेंडर को अपने से टच मत होने दीजिए, फिर पावर अपने आप बढ़ जाती है। अंतिम खिलाड़ी समय संजोली की तरफ से खुशी रेड कर रही है 9 नंबर जर्सी पहले खिलाड़ी, लेकिन डिफेंस बहुत ही चौकन्ना, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन कबड्डी का प्रदर्शन। कॉन्वेंट कॉलेज धर्मशाला के द्वारा लगातार तीसरा जो ऑल आउट हो गया, स्कोर आउट कंफर्म कीजिए, स्कोर आउट। इस समय 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी धर्मशाला के द्वारा 31 संजोली 14 14 31 से पिछड़ा अभी भी संजोली, उम्दा प्रदर्शन करना हो, टिकट मिला है क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, धर्मशाला के साथ लड़ना होगा, जूझना होगा, कठिन चुनौती देनी होगी, 5 बार की चैंपियन है धर्मशाला कॉलेज और मुकाबला खेल रही है पहली बार जो फाइनल में टीम पहुंची है संजोली के साथ। रंजना इस समय लंबा ऊंचा कद, जिला सिरमौर से बिलोंग करती रंजना चौहान, 10 सेकंड अपना उम्दा प्रदर्शन करना होगा, 5 सेकंड अच्छी कबड्डी खेलनी होगी, अभी भी काफी समय बचा है और रेडर को बाहर जाना पड़ेगा। वहां पर फिर से एक खिलाड़ी बहुत लाजवाब, फुटवर्क देखिए बंदा आपके पास कितनी कला है और उस कला का कहीं ना कहीं उपयोग भी कीजिए, बिल्कुल टच लगाया और फिर से अंक दिलाया धर्मशाला कॉलेज को। इस समय 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी बड़े उम्दा खिलाड़ी, अच्छा प्रदर्शन रहा इनका पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन थोड़ा सा धर्मशाला के सामने भी और ज्यादा अपने प्रदर्शन को सुधारना होगा, अगर धर्मशाला को रोकना है तो बहुत ही खूबसूरत खेल का मुजाहरा पेश करना होगा, क्योंकि धर्मशाला बहुत बड़ी टीम है और बिल्कुल टो टच रखा है कॉर्नर पे। इस समय फिर से 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी धर्मशाला की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदकाठी और फुटवर्क बहुत ही लाजवाब, राइट लेफ्ट कॉर्नर पे लगातार और यहाँ पर देखिए गलती करवा के डिफेंडर से। और समय जो कमेंट्री बॉक्स में मेयर मंच श्री राजकुमार फ्रांटा जी, हार्दिक स्वागत, उनके साथ और भी काफी सारे प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं कुलदीप ठाकुर, हिमाचल स्पोर्ट्स न्यूज पे हम इसको लाइव टेलीकास्ट प्रसारण कर रहे हैं और एक बार फिर से हम ओपन आया, बिल्कुल कॉर्नर और कवर का जो आपस का जो तालमेल है बहुत ही जबरदस्त, और साथ में हमारे गुरु मैं कहूँ जो कि वाइस प्रिंसिपल है संजौली कॉलेज में, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस समय सुपर टैकल ऑन, 3 का डिफेंस, क्या होगा सुपर टैकल में, यही एक खूबसूरती है कबड्डी खेल की, नए नियम जब लागू हुए टैकल की कहीं भी जो बात आती है उसमें कहीं ना कहीं देखना होता है कि आपने किसे चुनौती देनी है। स्वाति इस समय रेड पे लंबा ऊंचा कद और हिमाचल प्रदेश के रोडो चिड़गांव से बिलोंग करती है ये खिलाड़ी स्वाति, कदकाठी बहुत अच्छी कबड्डी के लिए बहुत ही उपयुक्त, 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, बहुत एक्टिव खिलाड़ी है धर्मशाला टीम में, बहुत लाजवाब कबड्डी का जो प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही काबिले तारीफ। कॉलेज लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुस्तान का दबदबा रहा है, खासकर जो महिला खिलाड़ी लगातार पूरे विश्व के अंदर जो अपन चमक बिखेरी है उसमें कहीं ना कहीं हिमाचल के कई हिस्सों से जो महिला खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत ही लाजवाब अपनी परफॉर्मेंस दी है, चाहे सिलाई क्षेत्र हो चाहे सोलन क्षेत्र हो, इस मर्तबा फिर से आखिरी रेडर है स्वाति और डू और डाई वाली सिचुएशन, और डू और डाई वाली सिचुएशन मानिए करो या मरो, वही बात है कि आगे कुआं पीछे खाई, कहीं ना कुछ करना होगा, स्वाति को चुनौती देनी होगी अगर ऑल आउट से बचाना है,
तो कुछ ना कुछ करना होगा, पहले भी किया लेकिन डैश हुए कि नहीं हुए, और डैश हो गए समय सुहाते भी हो। और टी भाई एक बार फिर से विवरण आप दर्शकों तक पहुंचाइए, चैनल पे पहुंचाइए, डॉक्टर रविंद्र चौहान जी प्रदर्शन पोस्ट कॉलेज का। लेकिन ये जो इनकी अभी स्थिति है वो प्रोफेशनल के अगेंस्ट इतना ही ये हमारे को दे सक, इसलिए आशानुरूप उस संदर्भ में बहुत ये देखिए ज्योति ने जो भी अभी टैकल किए तीन चार के प्रोफेशनल खिलाड़ी भी उनके हाथों से नहीं बच पाए। बहुत सुंदर ज्योति का ये प्रयास, आकृष्ट संजौली महाविद्यालय की एक मेन खिलाड़ी, ये देखिए धर्मशाला की खिलाड़ी टूट पड़ते हैं जैसे ही मौका मिलता है। यही फर्क है प्रोफेशनलिज्म में और एक कैजुअल अप्रोच में। आपको प्रोफेशनल होना होता है किसी भी फील्ड में, अगर आप उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो। ये प्रयास लेकिन असफल, बहुत गलत टैकल करने का प्रयास अंकर्जित किया धर्मशाला की खिलाड़ी ने। रंजना से उम्मीद संजौली को अभी बोनस का प्रयास रंजना की तरफ से हो रहा है। पिछली बार ये टाइम लिमिट एक्सेप्ट कर गई थी लेकिन कोई रंजना को पकड़ लिया गया और धर्मशाला लगातार बढ़त पर। ये ज्योति जो एंकल टैकल करती है, ज्योति उम्दा है लेकिन फ्रंट से पुश कर पाना थोड़ा सा यहाँ असफल। स्वाति एक बार फिर से अंक को ढूंढने के लिए, लेकिन ये देखिए इतने तेज है कि ये मौका ही नहीं देते अपनी फील्ड में सुरक्षित आने का। उधर रविता चौहान ने पकड़ लिया कि मेरी लाइन में आ गई हो तुम, मेरी लाइन को टच कर ली, ये एरिया मेरा है। इसके साथ ही दिए दो लौने के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ एक के साथ एक फ्री तो सुना था या दो के साथ दो फ्री मिल गए। रंजना फिर से जाल में फंसती हुई, बहुत उम्दा प्रदर्शन धर्मशाला की खिलाड़ियों का हो भी क्यों ना, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। फुटवर्क देखिए इनका, ये इतनी स्फूर्ति शरीर में लिए हुए कि आकृष्ट एक बार फिर से संजौली महाविद्यालय चेस नंबर चार। बहुत बार ये जाल में फंस चुकी है लेकिन इस बार देखते हैं ये क्या अंकर जीत कर पाती है। यस एक संजौली कोशिश भरपूर कर रही है कि हम ये आकृष्ट फिर से प्रयास संजौली महाविद्यालय की स्कोर टैली को इम्प्रूव करने के लिए। Thank you.
इसके साथ ही सभी दर्शकों से निवेदन है जिस तरह से आप अभी थे उसी तरह से रहे, क्योंकि इसके बाद का बहुत बड़ा मैच इसके बाद है, क्योंकि तालियां कौन बजाएगा जब खिलाड़ी जो है प्राइस लेंगे। मैं निवेदन करूंगा तीनों टीमों से